सुन्नी है और ये देवबंदी है और ये जो है ना अहले हदीस है, इस लिहाज से हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अच्छा वो एक और चीज़ में आता है, लेकिन हम बात करें कि वो उसकी किसी वजूहात में या किसी दूसरे लेवल के ऊपर जो आप बात करें वो आ जाएगी, लेकिन ये कि वो एक दूसरे की या एक दूसरे जो के पीछे नमाज नहीं मजहबी पढ़ते। मुनाफरत, उसको आप ये कहते हैं कि मजहबी अदम बर्दाश्त है, वो बिल्कुल वजूहात में आ जाएगी। अपने देखें दूसरे मजाहिब के साथ जो हमारी अदम मतलब बर्दाश्त है ये अकीदे वो, के लिहाज से एक दूसरे और को कर हमारी लेना। अकीदे के लिहाज से एक दूसरे के साथ जो अदम बर्दाश्त है उसको मजहबी अदम बर्दाश्त में हम लेके आएंगे, वो उसकी वजूहात में आ जाएगी कि दूसरों को तो हम अगर नहीं बर्दाश्त करते तो हम तो खुद को भी बर्दाश्त करने में हमारी जो हसासियत है वो कम होती जा रही है, तो वो उसकी वजूहात में आ जाएगा। लेकिन इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ये हतमी लिस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे और भी कई तबके हों जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो हम अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। चार दे दें इनको प्लीज, कि आपने स्पेसिफिकली मुझे बताना है सहाफी होने के नाते, आप उसके ऊपर अपना नाम लिखें, आप जिस जिस इलाके से हैं वो लिखें, और ये आपकी 10 मिनट की प्रैक्टिस है ताकि स्पेसिफिकली बताएं कि आपकी लोकल सत्ता के ऊपर कर सकते हैं कि आयन की किस शिफ्ट के तहत आपने किस बंदे को यहाँ से जिला बदर किया। जब वो सहाफियों को भी पता होता है कि आप जिस अप्रोच के साथ वो ख्वाजा सरा हैं, किस सोच के तहत आप उनको उनके पास जा रहे हैं, जब वो उनको वो पता लगता है, क्योंकि वो तो वो लोग हैं कि जो जिनको माँ बाप ने भी छोड़ दिए, सहाफियां तो आ गए ना, हो सकता है उनको भी अंदर इसमें हिस्सा डालना पड़े। हाँ जी हाँ जी, ये मैंने इस तरह किया है मैडम अच्छा ऊंचा बोलिए सबको, तमाम सहाफियों के नाम लिखे हैं पर जो लोग रहते हैं उसके हवाले से हमने डेटा लिखा। इरशाद अली का कहना है कि मेरा ताल्लुक जिला दियनवर के है, वहाँ पर नस्ल इम्तियाज या पेशे के लिहाज से अफराद गुड़ के जो फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करते हैं, इस तरह पेशे से वाबस्ता लोग हैं जिस तरह हेयर ड्रेसर और ये खाने पकाने वाले और जो भी, इनकी तादाद तकरीबन 100-150 तक है हमारे जो रीजन। आपके ग्रुप के बाकी मेंबर किधर हैं? वो ये दो एक ये एक बैठा हुआ है। चलो खैर उधर उधर ठीक है। वैसे तो हमें नंबर दो दिया गया था लेकिन मेहरबानी है तैयब की कि उन्होंने रिलैक्सेशन दुनकी और स्टीरियोटाइप से कुछ बचत भी हो गई है। बहरहाल हम चार साथी हैं इस ग्रुप में और मेरा ताल्लुक के हवाले से जो हमें मुख्तलिफ इश्यूज सामने आते हैं वो उनमें जो है आप इनके साथ हैं, उनको इक्वल पेमेंट नहीं मिलती, जो पेमेंट जो है मेल जो है रिपोर्टर को या जर्नलिस्ट को मिलती है उनकी निस्बत उनको इसमें जो है मेरा, मैं सबसे पहले अपने वाला बताऊंगी, जो मैंने सेलेक्ट किया है ख्वाजा सरा, तो ख्वाजा सरा जो हमारे मर्दान में है, एक तो जो शनाख्ती कार्ड का मसला है वो तो सब ने डिस्कस